पहले गेंद को खेला है लेकिन अलॉन्ग द ग्राउंड वहां पर खेला रहता है ना, तो एक ही रन मिलेगा इस एक रन के साथ खाता खोलता हुआ हाजोरी का। अगली गेंद और इस बार छोटी गेंद यार, गेंद मंगवा लीजिए स्टैंड पे, या गेंद फिर से स्टैंड पे देना चाहता हूं जो नॉन स्ट्राइकर पे जो आपको खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जिया पल्लिक, वो उत्तर प्रदेश से आए, यूपी से आए हैं जिया। यहां पर फिर से अंपायर ने सिग्नल किया है कि वाइड बॉल, अभी तक तो बढ़िया ओवर लेकिन ओहो हो क्या बल्ले का अद्भुत किनारा लिया था जिया। फिर से तैयार है राजीव, ओहो इस बार फिर से भी ओहो वहां पर बेल्स के कुछ शायद लाइट जले थी लेकिन बेल्स डाउन नहीं हुए जी। फिर से तैयार है फिर से स्ट्राइक कर राजीव और इस बार बहुत बढ़िया कवर्स की दिशा पर लेकिन वहां पर खिलाड़ी काफी फाइन था और एक ही रन मिलेगा। 2022 में इन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे, लगभग 1000 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं और इस बार ऑन साइड पर जी आप बढ़िया प्लेसमेंट के साथ खेला है लेकिन जो संपर्क होना चाहिए था बल्ले और गेंद के बीच में। और इस टाइम फील्डर टाइप सी, he has given us all his about 100% effort. ये विकेट को बोला अभी ऐसा मोबाइल हराए पाइसू वो क्या बढ़िया देखिए, ये दूसरा ओवर का दूसरा गेंद है, पहला पारी का देखिए जो गेंदबाज आपको नजर आ रहे जी हाँ ये गेंदबाज है लगभग सोहेल तस्वीर की तरह गेंदबाजी करते देखिए। फिर से तैयार है ये देखिए उनके डाउन स्विंग कैसे नीचे गया फिर से और इस बार हल्के हाथों से प्ले किया जी हाँ पंच किया वहां पर डीपर खिलाड़ी चेहरा थे जो एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर बुक्स ऑन 212 रन 12 रनों तक पहुंच चुके स्टील ऑफ द क्रीज और इस बार देखिए सीधे बल्ले से जिया और हल्के हाथों से खेला और आसानी से एक रन भाग लेंगे आपको बिल्कुल ही समय नहीं देता है। कैसे तैयार है देखिए हरिप्रसाद, ओहो क्या बढ़िया गेंद जिया बहुत बढ़िया गेंद, जोखिम उठाना पड़ेगा किसी एक को और इस बार कट किया है जिया लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात है जिया थर्ड के खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और काफी फाइन की है और जिसके चलते कोई रन नहीं। यहाँ पर एक बढ़िया ओवर का समाप्त होता हुआ जिया पाकाई के लिए तो दो ओवर की समाप्ति के बाद इसको है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जी हाँ ये सीधी आके कैमरे पे टकराई है जी हाँ और फिर से तैयार है बल्ले ओहो जाने दिया गेंद को कोई छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की जिया और जिया दर्शकों इस गेंद के बाद में जरूर बताना चाहूंगा ओहो इस बार देखिए फिर से हालांकि गेंद शॉट पर जरूर थी लेकिन अनुभवशाली अंपायर है इस बार ऑफ साइड पर खेला है जिया ऑफ द ग्राउंड वहां पर खिलाड़ी चेहरा तो एक ही रन मिलेगा वो भी बहुत प्रभावशाली अंपायर इस बार देखिए फिर से बहुत बढ़िया शॉट जिया और लो फुल टॉस की गेंद थी और क्या बढ़िया पिक किया वहां पर बहुत बढ़िया ये यस बैक मैक्सिमम इस बार राजीव के बल्ले से as we can see the two batsmen the two opening batsmen still in the crease playing down here too many runs now and once again he lifts the ball in the air that's a tremendous six from this batsman magnificent one and you can see the batsman is deeply there in the what a shot it is and that shot reminds me of that के तहत बल्लेबाजी कर रहे फिर से आए हैं हरिप्रसाद और क्या बढ़िया इस बार हरिप्रसाद को भी जाने नहीं दिया जिया और गेंद को धकेला स्टैंड पर जिया। यहां पर दर्शक बने फील्डर फील्डर बने दर्शक एग्जैक्टली वही नजारा फिर से देखने को मिला वंस अगेन से तैयार है मल्लिक एग्रेसिव मूड पर दिखाई दे रहे और दिस टाइम फिर से अगर आप देखें फिर से बड़े स्ट्रोक खेले गए थे लेकिन यहां पर वेरी क्लियर रनिंग वेरी क्लियर एंड गुड रनिंग एज वेल बिटवीन द विकेट्स दिस टू बैट्समैन आर सेट नाउ दिस टू बैट्समैन आर सेट यू कैन सी भारी बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की है और ये बहुत ऊंची गई है लेकिन देखना पड़ेगा दूरी कितनी थी नहीं दूरी नहीं मिलेगी गेंद सीधे फील्डर के हाथ में और
बहुत ऊंचा गया था, लीप गेंद बहुत ऊंचा गया था, लेकिन सामना करेंगे पहला गेंद हरि प्रसाद का। और आगे सही आप देखिए क्या बढ़िया तरीके से मानो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे और आते साथ ही उन्होंने फ्रेश शो किए गया और गेंद को डिलीवर किया स्टैंड पर। बहुत बढ़िया लौटना चाहूंगा मैच पर। ओहो यहाँ पर जोरदार अपील लेकिन वहां पर प्रभाव नहीं होगे कि देखिए ये दोनों। See, if you talk about Malik's score, individual score, he has a score 17 till now. Oh, बड़े शो के लिए गए थे लेकिन ये गेंद कमर के ऊपर जाके लगी है जी। और लेग बिफोर की जो बैर अभी देख हर ओवर 15 रन बनाते हैं जी। अली बताना चाहूंगा कि यहां से हर ओवर 15 रन बना लेते हैं सही लाइन और लेंथ के तहत। गेंदबाजी चल रही है अभी देखे यहां पर क्या गेंद जी नहीं चारों दिशाओं में अगर आप देखें। और जी नहीं यहां पर फिर से ये मेरे हिसाब से आप सही बात कर रहे हैं लेकिन इस बार समझ गए यहां पे फिर से जी आप देखना पड़ेगा कि ये गेंद कितना लंबा गया है। दिस इज द फिफ्थ ओवर प्रोग्रेस और इस बार देखिए थोड़ी सी चहल करने की थी जी हाँ और कदमों का इस्तेमाल थोड़ा सा देखने को मिला था मलिक के द्वारा लेकिन लॉन्ग टर्म मलिक। ओहो यहां पर नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा जी हाँ द पिन सो विल हैपन नाउ नो बॉल यानी फ्रीट। यस एग्जैक्टली वहां पर हाथ खोलने का मौका मिला है जी हाँ। ओह जी देखिए फ्री की गेंद पर फायदा उठाने में नाकामयाब रहे मलिक। ये दूसरा मैच का पहला पारी का पांचवा ओवर खत्म हो चुका है जी। दर्शकों में बताना चाहूंगा दर्शकों को कि पांच ओवर के समाप्ति के बाद हजोरिका ब्रदर्स के जो कुल स्कोर है जी पांच ओवर के बाद बनाए हैं 54 रन बनाए ठीक है देखना पड़ेगा। छोड़िए यहाँ पर पहला विकेट गिरा इस गेम पर समझ ही आप स्ट्राइक पे लाइए मलिक को स्ट्राइक पे लाइए। ओहो यहाँ पर क्या बढ़िया स्ट्रोक किया जो नए बल्लेबाज है आप ही जो जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट यहाँ पर कलाइयों का जादू दिखाते हुए ये अक्सर कलाइयों का जादू दिखाते हैं हमारे के सहारे खेला था फिर से तैयार है। और इस बार ऑफ साइड पर जी नहीं वहां पर कट किया था गली और पॉइंट के बीच में से निकालना चाहते थे लेकिन और जी नहीं काफी फाइन खेला है लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात तो जिसके चलते एक ही रन मिलेगा जी। और ये बात मैं कप्तान को भी ना देना चाहूंगा पटकाई की कप्तान को देखिए जिस तरीके से फील्ड सेट किया जी बहुत बढ़िया प्रॉपर फील्ड सेट चाहूंगा विकेट। ओहो यहाँ पर विकेट आ चुका है आखिरी वाला जो मैंने बताया था वहां पर ये आखिरी गेंद पहला पारी का और क्या धड़क थे जी नहीं क्या दो रन लेंगे जी हाँ और दो रन लेंगे जिस गेंद पर एक भी रन नहीं मिलना चाहिए था जी हाँ और दो रन मिल चुके हैं काफी नाराज है कप्तान। और इसी बीच बताना चाहूंगा तो पहला पारी खत्म होता हुआ जी हाँ दर्शकों स्कोर 65 रन जस्ट ओनली 5 रन्स माइनस इसी के बारे में देखिए मैंने बताया था कि 60 या 70 तक पहुंचना चाहेंगे लेकिन उसके बीच पहुंच चुके हैं तो मेरे हिसाब से ये एक फाइटिंग जो दर्ज रहेगा जी हाँ दर्शकों बताना चाहूंगा तो पहले बल्लेबाजी करते हुए हजोरिका ब्रदर्स ने बनाए हैं निर्धारित 6 ओवर में 65 रन को बरकरार रखे थे। पहला गेंद जी हां और पहला गेंद लेकिन दिशाहीन गेंद जी हां ऑफ से बाहर बाहर और जिसके चलते अंपायर ने दोनों हाथ उठाकर सिग्नल किया कि वाइट बॉल या तैयार है फिर से अगला गेंद लेकर। ओहो इस बार बढ़िया गेंद जी हां बहुत बढ़िया गेंद अगला गेंद लेकर
ओहो इस बार पॉइंट के क्षेत्र पर खेलना चाहते थे जी, तगड़ा कट मारना चाहते थे, लेकिन फिर से तैयार है अविनाश। ओहो देखिए इस बार भी चकमा देने में कामयाब। देखिए इस बार भी ये देखिए कितना था 115 जी। तैयार है अविनाश अपना अगला गेंद देकर। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया चहल करने, लेकिन क्या गलती कर बैठे आप जी हाँ, ये बहुत बड़ा गलती है मेरे हिसाब से। अगर आप देखें जिस तरीके की फॉर्म में ये खिलाड़ी थी जी हाँ, दर्शकों बता चाहूंगा दीप जो अभी अभी कैच छूटा था दीप का, जी बढ़िया फॉर्म में है और एक बड़े खिलाड़ी जो अपना पहला गेंद सामना करेंगे अमीरुल्लाह जी हाँ, उनका भी बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट है। ओहो बहुत बढ़िया गेंद जी हाँ, क्या बढ़िया, क्या तकनीक के साथ गेंदबाजी करते हैं, मुझे मैं ये देख के हैरान हो जाता हूँ अलीफ। देखिए हालांकि व्हाइट बॉल रेड बॉल पिंक बॉल पे इस तरीके की चालाकी देखने को मिलता है, लेकिन लाइट टेनिस में इस तरीके की चालाकी अक्सर कम देखने को मिलता है। लेकिन क्या बढ़िया जी हाँ, बहुत बढ़िया यहाँ पर अविनाश जिस तरीके से गेंदबाजी की अभी तक, बहुत बढ़िया अपनी टीम के लिए। और लेकिन यहाँ पर अमीनुल्लाह ने पढ़ लिया था, देखिए 16 रन की गेंद, पहले रेडी थे वो और स्वाद पर थी गेंद और उसको बहुत बढ़िया तरीके से खेला जी हाँ, बहुत बढ़िया। ये पहला यस बैंक मैक्सिमम दीप हादी का पहला गेंद दीप के लिए। ओहो छोटी गेंद और उसको पढ़ लिया था जी हाँ, धीमी गति से डाली हुई गेंद, क्या बढ़िया पिक किया, फ्लैट छक्का। यस एक्जेक्टली, यू कैन नॉट प्लेस सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रंट ऑफ दीप। ये देखिए ये अली क्या हो रहा है, जले पे नमक छिड़कने वाला बात हो रहा है, क्योंकि देखिए दीप के बदले से ये जो दूसरा यस बैंक मैक्सिमम। और ये देखिए फिर से क्या कैच जी नहीं, ओहो वहां पर लेकिन जो भी हो 6 रन का फासला यहाँ पर छोड़ के गए दीप। देखिए अली में बताना चाहूंगा, देखिए ये जो 6 रन का फासला है ये 14-1 तैयार है। फिर से बड़े शो के लिए गए थे, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, वही गुटी ने अविनाश ने भी बहुत बढ़िया ओवर डाला था। और यहाँ पर जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद बैक फुट पे गई और बहुत बढ़िया जी हाँ, सही दिशा दिखाते हुए। ओहो इस बार फिर से वही स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से अपने लिए जगह बनाया, लगभग स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब थी और इसी बीच ओवर की भी समाप्ति। तो दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है The batsman could not connect the bat with the ball totally, and yes, this is, they have just scored 24 runs
in after completion of 3 overs, but this time you can see Nazibullah in the second over they have scored tremendously, and now runs little came in the third over, and you can see the bonus side. देखिए ये क्रिकेट का मैच है, सभी लोग जानते हैं एनीथिंग इज पॉसिबल हियर. भाई कौन है बॉल टू मसद और अपन बॉल है सुरंग खेलत विशेष आकर्षण থাকিব আমাৰ অসম হন্তান আইপিএল খেলা আপোন আছে উপস্থিত থাকিব মুখ্য আগ থাকিব ইউটিউবার্স 11 আৰু হে আৰ্টিষ্ট 11 ত আপোনালোকে দেখা পাব অসমৰ প্ৰখ্যাত শিল্পী সকল বন্য মান্য শিল্পী সকল হয় দৰ্শকল মই তাৰে দুই তিনি মান নাম কব বিচাৰি এই আৰ্টিষ্ট 11 অধিনায়ক হৈছে আমাৰ আচুৰ্য বৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰী টিঅকলে যাব খেল উপভোগ কৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ Yes, back to this match. Back to the match. Lord is driving the ears, yeah, he has saved. Come on, amount of runs. Number of runs he has saved. And now, well, I think that's a lead, it will be a catch. Yes. It will be a catch. Yare Abidullah. Oh, careful toss gain or the... Koi Rav Nijiyam. तो देखिए अलीफ हम बता रहे थे मैच में उतार चढ़ाव के लिए लेफ्ट आर्म गेंदबाज है देखिए फिर से और इस बार बहुत बढ़िया खेची धीमी गति से डाला हुआ जमर मल्लिक ने यह दर्शाया कि देखिए जिस खिलाड़ी की क्या अहमियत के फॉर्मेट में ये वैल्यूएबल प्लेयर है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है इसी बीच बल्ला घुमाया और गेंद सीधे स्टैंड पर जिया काफी समय के बाद एक यस बैंक मैक्सिमम आमिदुल्ला के बल्ले से बताना भी चाहूंगा देखिए अरबी अमीनुल्ला अपने वही फॉर्म को बरकरार रखते हुए पिछला साल भी हम लोगों ने देखा था पिछला साल जब यहाँ पर इस टूर्नामेंट शुरू हुआ था वहां पर अमीनुल्ला बहुत बढ़िया खेले थे उसी फॉर्म को अभी तक बरकरार रखते हुए माफ कीजिएगा चार ओवर हो चुका है जिया तो बच्चे देखिए अमीनुल्लाह फिर से बड़े स्ट्रोक के लिए गए लेकिन वहां से नकारा सही कॉल वहां पर या सही कॉल किया उन्होंने अमीनुल्लाह क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे जी ने यहाँ पर जोरदार अपील लेग फुट की अपील देखने को मिला था लेकिन एक दोनों टीमों के लिए यही एक निर्णायक ओवर था और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप सिंगल्स डबल्स दे रहे हो इससे काम नहीं बनने वाला है फिर से देखिए ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे धीमी गति की गेंद और फिर से बल्ले का वही तो एक पर लगी गेंद और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के दस्तानों पर तो एक और विकेट का पतन होते ये दमखम रखते हैं बड़े स्ट्रोक लगाने में तो पहला गेंद और देखिए उन्होंने क्या करके देखा है मैंने अभी बताया था इस खिलाड़ी के बारे में कि आप इसको क्यों ड्रेसिंग रूम में बिठा के रखे उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या करने वाले हैं देखिए बहुत बढ़िया जी आते सगी उन्होंने वही फिर से मेहदी ऑन स्ट्राइक मेहदी है स्ट्राइक पर जिया यहाँ बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे जिया मेहदी ओहो वहां पर मौका था ओ माय डियर इन सिक्स वे सो मेनी मिस फील्स आर हैज इट रिवर्स ये वाज अ ग्रेट चांस मोमेंट ग्रेट चांस मोमेंट यू कैन सी मेरा आवाज बंद हो गया क्योंकि जिस गेंद पर मुझे ऐसा लग रहा था कि देखिए इस गेंद पर जिस तरीके से मौका मिला था जी फुल टॉस गेंद थी अगर आप देखिए फुल टॉस गेंद पूरा फायदा उठाने का मौका भी मिला था वहां पर लेकिन उस मौके को भुनाने में नाकामयाब और लेकिन रन बहुत चाहिए लगन भी चाहिए या दर्शकों देखिए मैं वही बताना चाहूंगा इस आखिरी छह गेंदों पर जिया ये पारी का मैच का आखिरी ओवर है जिया दर्शकों में फिर से बताना चाहूंगा लेकिन नामुमकिन नहीं है जिया छह गेंदों पे 25 रन चाहिए दर्शकों छह गेंदों में 25 रन क्या पहला गेंद पर बड़ा स्ट्रोक जी नहीं ऑन साइड पर खेला है स्क्वायर लेग की दिशा पर लेकिन जब तक फील करते एक ही रन मिलेगा
ओहो क्या ये देखना पड़ेगा कि क्या बॉल यहाँ पर miscommunication you can see he shouldn't go come out from that crease and white ball जी अभी भी देखेंगे वाइट बॉल यानी कि इस गेम को दोबारा रिलोड करना पड़ेगा जी गेम पास को तो यहाँ पर एक रन बोनस के रूप में मिलता हुआ इस समय अगर आप देखें इस समय ये एक एक रन बहुत बहुत मिलते हैं दोनों टीमों के लिए इस बार फिर से स्ट्राइक पर है आमिरुल्ला ओहो यहाँ पर क्या जी नहीं एक ही रन मिला है मैच बिकॉज एंड यहां से अगर आप देखें मैच क्या जी नहीं मैच में क्या एक ट्विस्ट जी हाँ छह रन आए हैं लेकिन आते आते काफी देर हो चुके हैं लेकिन यहां पर मैच में पकड़ जमा चुके हैं और इसे बीच बीच से उठा के मारा है इस बार भी गेंद ओहो यहां पर क्या बढ़िया जी हाँ हो यहां पर लगातार दो गेंदों पे दो छक्का जाओ यहाँ पर पटकाई को तो सावधानी बरतना होगा यहाँ पर और ये लीजिए यहाँ पर स्मैश को जीत लिया हजोरिका ब्रदर्स ने जिया 7 विकेट से Yes, it matches you as if the brothers, the congratulations are the brothers and as well as to Patka 11 as they have shown a very fighting match here.